नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेस के नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एमओटी का पार्ट 3, एमओटी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट 3, यानी कि तीसरा वीडियो होने वाला है ये एमओटी का। इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं C2, यानी कि जो कार्बन है उसके मॉलिकुल्स का एमओटी डायग्राम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे C2 का एमओ डायग्राम, ठीक है, एमओ डायग्राम कार्बन का, ठीक है। इससे बीच वाले और भी थे सारे, लेकिन अब वो सेम ही है, आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं बस, तो मैं सारे नहीं करवा रहा, ये मैं करवा रहा हूँ C2। तो चलिए इसका एमओ डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ऊर्जा को प्रदर्शित करते हुए दो लाइन खींच लेता हूँ मैं, और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी बढ़ा देते हैं ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर सबसे पहले तो 1s कक्षक इसको बना देते हैं। अब देखो यहाँ पर C2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखो आकृति थोड़ी सही नहीं बन पा रही है, तो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना। तो ये 1s के कक्षक मैंने बना दिए हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो कार्बन के 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, ध्यान है आपको। तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। फिर देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अपना 2s वाला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2s का भी मैं बना दे रहा हूँ, ये लो, ये 2s का ये बॉन्डिंग है नीचे वाला, और ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, इसको 2 भरो, इसको भी 2 भरो, 2 4 6 8 हो गए टोटल। फिर देखो फिर क्या आएगा, फिर आने वाला है, उसके बाद क्या आने वाला है, फिर आने वाला आपका, देखो अब C2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन, तो sp मिक्सिंग होती है। तो चलिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ, तो अब यहाँ पर कौन से हैं, ये 2 कक्षक हैं मेरे पाई वाले, ठीक है। यहाँ पर मैं, ये तीनों मेरे पी के डिब्बे हैं, PXY PY PZ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन 1 2 3, अब देखो कार्बन है तो 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, पीछे कितने रहे, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर तो ये इस एक में तो होगा नहीं ना, और 2 के 2 इधर भी होंगे, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर ये जो पी वाले तो बना दिए हैं, फिर यहाँ पर अपना एक 2PZ वाला भी तो कक्षक होगा, सॉरी थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसको, वीडियो को क्या है आप पूरा देखना ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर वापस कौन सा आने वाला है, फिर वापस ये 2 आएंगे, और उसके बाद आने वाला है ये वाला, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, और ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां, C2 का काम कंप्लीट। इसका अब कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं हम, इसको साइड करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखो σ1s σ1s स्टार, ठीक है, σ2s σ2s स्टार, πPX = πPY, ठीक है। फिर σ2PZ, उसके बाद वापस क्या आएगा, देखो पाई स्टार आएगा, लेकिन वहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर भी 2 हैं, इसके अंदर भी 2 हैं, ठीक है, इसके अंदर। फिर देखो आपने पाई में भी 2-2 इलेक्ट्रॉन ही है। अब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल by 2, ठीक है, बीच में माइनस का निशान। तो यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सब देख लेते हैं फटाक से। बॉन्डिंग में 2 4 सॉरी ये 2 और ये 4 और ये 6, वापस काउंट करते हैं इसको, ये 2 ये 4
6 और 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है। माइनस ये 2 ये 4, 4 इलेक्ट्रॉन है, बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 4/2 इजिकल टू 2। इसका मतलब अपना कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो इसका हमने इसी लिख दिया, बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल दिया, और यहाँ पर मैं कक्षक जो है उसके नाम आपको बता देता हूँ सबके, कौन क्या है क्यों है कैसे हैं। देखिए सबसे जो नीचे वाला कक्षक था सबसे पहला, वो अपना ये वाला है 1s का है, और ये क्या है BMO, ठीक है, 1s का BMO है, और ये ABMO है 1s का, ठीक है। उसके बाद आता है वापस 2s के, ये किसके हैं 2s के, 2s का ये कौन सा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये कौन सा है ABMO है, ठीक है। फिर देखो वापस इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अब ये देखो ये है 2s, अब ये 2p के हैं सारे, ठीक है, तो ये हैं 2px 2py, और ये कौन से हैं BMO, ये कौन सा है 2pz कौन सा BMO, और ये दोनों जो हैं वो वापस इनके ABMO है, जो नीचे में लिखे 2pz और पाई 2pπx और py, इनके ये दोनों जो हैं ऊपर वाले ये इनके ABMO है, ठीक है। तो इस प्रकार से C2 का है जो MOT डायग्राम होता है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाल दिया, तो ये C2 का खेल यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर देखो वापस C2+, C2-, तो आपको इलेक्ट्रॉन बाहर अंदर करके एक घटाना एक बढ़ाना करके आप आराम से आगे निकाल सकते हो, तो वो आप निकाल सकते हो आराम से। फिर हम अब एक और देख लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे। अब देखो जो 14 इलेक्ट्रॉन थे, 14 इलेक्ट्रॉन के बाद के जो 14 इलेक्ट्रॉन के बाद 14 इलेक्ट्रॉन के बाद जो भी आते हैं वहाँ अणु, बाद के जो अणु हैं उनमें क्या होता है, उनमें थोड़ा विन्यास है वो अलग ढंग से होता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ अलग ढंग से होता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले σ1s होता है, फिर σ*1s होता है, ठीक है, फिर σ2s होता है, फिर σ*2s होता है, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, σ2pz होता है, फिर इसमें क्या होता है, फिर होता है πpx = πpy, ठीक है। फिर वापस फिर होता है πpx = πpy, कौन सा वाला, स्टार वाला, ठीक है। फिर होता है σ*2pz, और उसमें क्या था जो पहले हमने पढ़ा था sp मिक्सिंग वाला जो कंसेप्ट था, 14 इलेक्ट्रॉन के बाद क्या होगा कि भाई ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। पहले क्या था, हम क्या करते थे πpx = πpy लिखते थे पहले, और ये σ2pz था वो बाद में लिखा करते थे। अब यहाँ पर क्या, σ2pz पहले आ रहे हैं और πpy के दोनों लगातार आएंगे, फिर सिग्मा का आएगा, इसका मतलब πpy लगातार होंगे और σ वाले हैं जो वो किनारों पर रहेंगे, ठीक है। जबकि उसमें क्या होता था, σ πy ऐसा चलता था। तो ये जो 14 इलेक्ट्रॉन के बाद यानी कि O2 का और जो MO डायग्राम होगा वो इस कंसेप्ट से चलेगा। तो आज के वीडियो में हम इसका एक का ही कंसेप्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और O2 का कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर मैं आपको इसकी गजब फंटास्टिक ट्रिक बता दूंगा बॉन्ड ऑर्डर निकालने की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।